हेलो जी, मैं वर्षा और इन हाउस कुकिंग में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज बना रहे हैं आपके लिए मिक्स वाली सब्ज़ी। और ये देखिए, इसमें है गोभी, ये आ गया है शिमला मिर्च, ये आ गया है गाजर, और ये आ गया है बीन्स, इधर आ गया है आपका आलू, और ये मसाले मैंने करे हुए हैं कटिंग, और ये मैंने जार में पीसा हुआ है। तो अभी क्या करते हैं, कढ़ाई रखते हैं और क्या करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। अभी जलाती हूँ फटाफट से कढ़ाई के नीचे गैस। ये देखिए, ये जला दिया है गैस हमने गरम, और ये डाल दिया है मैंने तेल। तेल हो गया है गरम, सबसे पहले डाल देंगे हम इसमें जीरा। हो गया है हमारा ब्राउन, और ये डाल देंगे हम कटे हुए प्याज। ये डाल देंगे हम कटे हुए प्याज, इनको अच्छे से आपने होने देना है ब्राउन। जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाएगी तब तक हम कोई सब्जियां नहीं डालेंगे इसमें। ये देखो, प्याज हमारे अच्छे से हो गए हैं। अब हम क्या कर लें, जो हमने सब्जी कटिंग करके रखी हुई थी हम ये डाल देंगे सबसे पहले। ये देखिए, ये डाल रहे हैं सब्जी, जिन्होंने डाल दी है ये डाल रहे हैं आलू। हमने सब्जी को अच्छे से कर लेना है तेल के अंदर फ्राई, हमने कर लेना है सब्जी को मिक्स। इसी तरीके से धीरे धीरे मैं सारी सब्जी को मिक्स कर दूँगी और फ्राई होने देंगे हम तेल। ये देखिए, सब्जी होने लगी है धीरे धीरे से फ्राई। और अभी क्या करेंगे, इसमें धीरे धीरे मसाले डालने शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें टमाटर और हरी मिर्च। ये डाल रहे हैं टमाटर और हरी मिर्च। ये आ गया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, अभी क्या करेंगे, हल्का हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे तरीके से, चारों तरफ से चला लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ये देखिए, जब तक ये वाले मसाले फ्राई नहीं हो जाते तब तक इसको ऐसे ही पकाएंगे 3-4 मिनट। ये देखिए, अभी हम क्या करेंगे, अभी इसमें सूखे मसाले डालना ऐड करना है आपने, और सब्जी हो गई है आपकी बहुत अच्छे से फ्राई। ये देखिए, ये डाल रहे हैं सबसे पहले हल्दी पाउडर, ये आ गया है। फिर डाल लेना है आपने धनिया पाउडर, थोड़ा सा भर के डाल लेंगे। ये डाल दिया है, और ये आ गया है तीखी लाल मिर्च, हरी मिर्च भी हमने डाली, और हल्का सा हल्दी में और डाल दूँगी इसमें। ये डाल दिया है, क्या कहना है, सबसे पहले आपने नमक ऊपर से ही ऐड कर, आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालेंगे। ये डाल दिया है मैंने इसमें नमक। ये क्या करना है, आपने मसाले में हल्का सा डालना है पानी इस तरीके से, और फिर क्या करना है, हल्के हल्के हाथ से उंगली से मिला के तभी आप इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए, ताकि अच्छे से मसाला सब्जी के अंदर लग जाए। ये डाल दिया मैंने थोड़ा सा और पानी, और अभी क्या करेंगे, अच्छे से देखो इस तरीके से आप कर लेंगे, जिस तरीके से आपको लगे कि आपने जिस सिल्ले में पीस लिया है। और आपने क्या करना है, आप इस तरीके से ऐसे ऊपर से डाल देना है मसाला। ये देखिए, अब आप क्या करना है, चारों तरफ से सब्जी को अच्छे से चला लेना है। ये देखिए, अच्छे से करना है मिक्स, ताकि मसाले सारी सब्जी में अच्छे से लग जाएंगे। मैं धीरे धीरे से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसे ढक के 5-10 मिनट पकाएंगे, और उसी में आपकी सब्जी हो जाएगी बढ़िया से बनकर तैयार। देखिए, जी कर दिया अच्छे से मिक्स, और मंदी आंच में इसको पकने देंगे और ढक के पकाएंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए, हमारी सब्जी हो गई है बनकर तैयार मिक्स वाली। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें बना के, और सभी घर वालों को खिलाएं।
ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। जो चीज़ें आंखों को अच्छी लगती हैं वो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। जैसा हमेशा कहती हूँ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करना ना भूलें। अपना भी ध्यान रखिए और घर वालों का भी ध्यान रखिए।